अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अकील है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त माज ये आज आए थे मुझे मिलने। और इनका सवाल था कि सर ये कोरोना वायरसेस और ये कोरोना वायरस हर तरफ कोरोना कोरोना हो है, तो कुछ बताएं कि कोरोना है क्या और इसके लिए इसके रिलेटेड इन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की आगाही के लिए, क्योंकि ख़बरें तो सुन सुन के बहुत सारे लोग परेशान हैं और अक्सर लोग आते हैं मेरे पास यही बात करते हैं कि बताओ जी कोरोना है क्या। तो सबसे पहले तो एपिडेमिक और पैंडेमिक का मसला है। पहले ये चल रहा था जी कोरोना एपिडेमिक है, वुहान में है, चाइना में है एपिडेमिक है। तो भाई एपिडेमिक होता है किसी खास इलाके में, जब ये चीज़ इंटरनेशनल हो जाएगी कोई भी चीज़ तो वह एपिडेमिक से निकल के पैंडेमिक हो जाएगी। सेम ही चीज़ अब एपिडेमिक नहीं है, अब पैंडेमिक हो गई है। तो कोरोना भाई हमारे फिर से पैंडेमिक हो गए। तो अभी ये कोरोना वायरस है क्या, क्या इससे पहले ऐसे वायरसेस थे? तो जी बिल्कुल, इससे पहले भी ऐसे वायरसेस थे। और कोरोना वायरस है क्या, खैर ये तो बहुत लंबी डिटेल में जाना पड़ेगा कोरोना वायरस है क्या। अभी आप ये याद रख लें कि इससे पहले आने वाला चाइना में जो सार्स था उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन उससे थोड़ा सा उसकी जदीद फॉर्म है और इसीलिए इसका नाम भी जो है सार्स COV-19 रखा गया है। और इससे होने वाली बीमारी को COVID-19 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 नाम रखा गया है। तो यही कुछ है इसके बारे में। अभी अगला सवाल ये है कि ये वायरसेस आते कहाँ से हैं। अभी तक जितनी भी स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं, जितनी भी इसके ऊपर रिसर्च हुई है, वो यही हुआ है कि ये चमगादड़ से आता है और फिर फेंगुइन में जाता है और फेंगुइन से फिर ये जो है इंसानों में आ जाता है। तो अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है। और क्या कोरोना वायरस के अलावा और भी वायरसेस होते हैं? जी हाँ, बहुत सारे हैं। हमारे जो सीजनल फ्लू हैं ये बहुत सारे वायरसेस करवाते हैं, more than 4000 से कहीं ज़्यादा वायरसेस हैं। और हर दफ़ा हमें होता है नज़ला होता है, हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, फिर वो वाला वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो फिर हमें वो वाला नज़ला नहीं होता, फिर अगली दफ़ा नया नज़ला हो जाता है। तो ये नज़ला जो है ये हमें ज़िंदगी लग जाती है इसको, क्योंकि बहुत सारे हैं तो इसी तरह ही इन्फेक्ट करते हैं, फिर हमारे जिस्म में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, अगली दफ़ा वो वाला नहीं होता तो फिर और हो जाता है। तो यही हिसाब कोरोना वायरस का है, जो लोग एक दफ़ा इन्फेक्ट हो गए हैं उनके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, अब वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं होंगे। हाँ कुछ रिसर्च कहती हैं कि कुछ अरसे के बाद एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिसफंक्शन हो जाती हैं, सही काम नहीं करती और उसके बाद फिर दोबारा से होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बात अभी तक यहाँ तक कि इतफाक रख लिया जाए कि भाई एक दफ़ा जब हम इम्यून हो जाते हैं तो दोबारा फिर हमें सेम एंटीजन जो इन्फेक्ट नहीं करता। अब ये कि कोरोना वायरसेस जिस तरह, इसके अलावा ये है कि बैट से कहाँ से आते हैं भाई। तो कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि बहुत से पहले, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि ज़मीन कहाँ से आई और फिर बिग बैंग हुआ और ये हुआ और वो हुआ, इससे पहले और भी जानदार रहते थे। तो हमारी ज़मीन के ऊपर बर्फ़ के तोदे जमे हुए हैं, ग्लेशियर्स हैं। जैसे जैसे हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है वो ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे वायरसेस जो हैं वो निकल के पानी में आ जाएंगे, और पानी में बहते बहते फिर आगे जो चीज़ उसके साथ मिलती जाएगी, कोई जानदार पी लेगा, फिर उससे आगे फिर और कोई पिएगा, फिर उससे आगे वो अगले चैप्टर में अगले होस्ट में चले जाएंगे, अगले होस्ट है। फिर हमें तो तब भी पता चलता है ना जब कोई चीज़ हमारे पास पहुंच जाती है तो फिर हम कहते हैं लो जी अब मसला ख़राब हो गया, अब ये आ गई है जी इधर। तो खैर इस तरह का बात चल रही है। तो क्या ये वायरस नुकसान पहुँचाते हैं? ये बड़ा मासूमाना सवाल है माज भाई का कि जी वायरस नुकसान तो पहुँचाते हैं, लेकिन क्या इतना नुकसान पहुंचाते हैं जितना बड़ा हर जगह पे, मतलब हर बंदा परेशान है कि लो जी पता नहीं क्या हो गया, वायरस आ गया, वायरस आ गया। तो भाई वायरस बेचारा 14-15 दिन तक तो वो वैसे ही रहता है, 14-15 दिन के बाद वो वैसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसका टाइम पीरियड ही 14-15 दिन है ज़्यादातर वायरसेस जो हैं। तो एक लॉन्ग लिस्ट है वायरसेस की, तो 14-15 दिन के अंदर बेचारे चले जाते हैं अपने घर को, मर जाते हैं। तो बाकी रही बात कि कोरोना वायरस से फिर हम इतना डर क्यों रहे हैं, क्या वजह है? तो कोरोना वायरस से हम इसलिए डर रहे हैं
कि क्योंकि ये बड़ी जिस तरह हम लोग जदीद हो गए ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, तो शायद कोरोना वायरस के पास भी कोई टेक्नोलॉजी है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पहले वाले जो थे वो कम लोगों को इन्फेक्ट करते थे, और ये जो है ये बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करता है। और पहले वाले बेचारे 2-3 महीने में जान छोड़ जाते थे, और ये तो छोड़ ही नहीं रहा। कहाँ नवंबर दिसंबर से शुरू हुआ है और मार्च अब ख़त्म होने वाला है। तो ये है कि अभी हम इससे, एक और भी उनका बड़ा प्यारा सा सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि वो माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उनका यही सवाल है कि क्या ये अमेरिका की साजिश है, या किसी भी मुल्क की, खैर नाम नहीं लेना चाहिए, क्या किसी मुल्क की साजिश है कि चाइना की इकॉनमी बूस्ट कर रही है, बड़ी ग्रो कर रही है, तो उसको नीचे लाया जाए। तो भाई अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, खैर कोई रिपोर्ट आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इत्तेफाक इसी बात पर रखना चाहिए कि इसके अंदर किसी भी मुल्क या किसी भी एजेंसी या किसी भी इंसान का हाथ नहीं है। ये खुद ही आए हैं बेचारे, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो ये आ जाते हैं, फिर और जानदार में इस तरह चलते चलते फिर हम तक पहुँच जाते हैं। और जब हम इनके देखते हैं कि भाई एक ऐसी नई चीज़ आ गई है हॉस्पिटल में, जो मरीज़ पहले तो इन चीज़ों से ठीक हो जाते थे, अगर नमूनिया है फर्ज करो किसी बंदे को, तो हम उसका स्पोटम कल्चर करवाते हैं, उसका जो खांसी का वो है उसको कल्चर करवा लेते हैं, या खून टेस्ट करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा जानदार करवा रहा है। तो जब इसी तरह नमूनिया के काफ़ी सारे मरीज़ वुहान में आए तो वो परेशान हो गए, तो फिर उन्होंने इस तरह लेबॉरटरीज लैब्स करवाई, तो उन्हें पता चल गया कि भाई ये कोई नई चीज़ आ गई है। तो सार्स के जब 2012 में सार्स आया था तो उसने बड़ा नुकसान किया था, और सार्स SARS सार्स जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इससे बड़ा जानी नुकसान हुआ था। अबाउट मेरे ख्याल में 10% इसका मोर्टेलिटी रेट था, तकरीबन 100 में से 10% लोग जो थे जो इन्फेक्ट हुए थे वो मर गए थे, और इसमें तकरीबन 2% है, तो काफ़ी कम है, और इबोला में तकरीबन 30% थे। तो ये है कि अगर आप इसलिए डर रहे हैं कि यार जो पुराने वायरसेस थे उनसे तो हम बच गए हैं, तो इससे हम मर ना जाएं, तो ये है कि भाई 2% है तो उम्मीद है कि बच जाओगे। जब इसका मोर्टेलिटी रेट मरने वाले लोगों की शरह इतनी कम है, तो फिर इससे इतना बचा क्यों जा रहा है और इतना परेशान क्यों हो जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से फैलता है, और तेज़ी से फैलता है तो हमारे हॉस्पिटल तो आपको पता है पहले से ही ओवरलोडेड है। जब अस्पतालों में जगह नहीं होगी, मरीज़ ज़्यादा होंगे, डॉक्टर कम पड़ जाएंगे, तो फिर लोगों का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतरीन हल ये है कि आप अपने घरों में रहें, या इससे बच के ही रहें, बस यही है। अगर बात ये की जाए कि भाई इसकी कोई एंटीवायरल निकल आई है, कुछ लोग कह रहे थे कि एंटीडोट और पता नहीं इस तरह के डिफरेंट नाम बता रहे थे, तो ये भी मैं बताता चलूं कि अगर कोई टॉक्सिक हो ना, कोई आपको कोई जहर लग जाए तो उसका एंटीडोट लगता होता है। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आपको एंटीबैक्टीरियल दी जाती है, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होगा तो एंटीफंगल दी जाएगी, और अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपको एंटीवायरल दी जाएगी। एंटीवायरल में वैसे तो ये साइक्लोविर जो है मशहूर आम मशहूर ज़माना बेचारा, जिसको भी एंटीवायरल कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो एंटीवायरल में ये साइक्लोविर देते हैं, लेकिन इसके केस में, कोरोना के केस में एंटीवायरल ए साइक्लोविर तो काम नहीं कर रहा। खैर काफ़ी सारे हैं जो रेमडेसिविर है, या एक दो और भी हैं वो दिए जा रहे हैं, तो उनके आउटकम अच्छे आ रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट। अब एहतियाती तदाबीर क्या है कि हमें बचना कैसे है, तो बचने के लिए भाई सीधे सीधे असूल हैं, ये हमेशा के लिए याद रखो कि आप जब भी हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के रिस्क पे तो हम हैं, तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमेशा अपने हाथ धो के रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हाथ धो के रखें, हमेशा कुल्ली करें तो अच्छी तरह गरारा करें, नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाएं, और जब भी हाथ मुंह धोएं तो साबुन से धोएं, और बस। और आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें गले मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या हाथ मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए, तो बेहतर हल ये तो है, यही है कि गुरेज करना चाहिए। और बहुत सारे उलमा ने भी इस बात के ऊपर इत्तफाक किया है कि हमें इन सारी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तो ये हाँ, ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि ये हमेशा के लिए याद रखो कि आपने हाथ किस तरह धोने हैं। ये देखें,
सबसे पहले आपने यूं हाथों को जो है ना, पहले ये देखें, ये हथेलियाँ रगड़नी है और यूं आपने रगड़ना है। इस तरह रगड़ने के बाद फिर आपने यूं बैक पे आ जाना है और फिर यूं बैक में यूं करके और यूं करके अच्छी तरह रगड़ें। उसके बाद फिर आप यूं करें, उंगलियों का ये जोड़ बना लें और इसको यूं और फिर इसको यूं रगड़ें। उसके बाद ये अंगूठों का नंबर लगा लें। इसके बाद फिर आपने यूं करना है, अपनी तली के ऊपर ये हाथों को रख के यूं मल लें, ठीक है। इस तरह आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल, फिर इस तरह धो लें पानी से। तो इस तरह आपके हाथ, ये हमेशा के लिए आपको हाथ यूं ही धोने चाहिए, यही तरीकाकार है अच्छी सफाई का। और जब भी आपको खांसी नज़ला हो तो ये बड़ी हमारी अहम काना सोच है कि ये अगले बंदे को ट्रांसफ़र नहीं होता। भाई ये जो फ्लू है ना, ये आपको हर हाल में अगले बंदे को ट्रांसफ़र होना है। अगर उसको पहले हो चुका है तो उसके पास एंटीबॉडीज होंगी, वो उसको फ्लू नहीं होगा। लेकिन अगर उसको उस वायरस से पहले फ्लू नहीं हुआ तो इस दफ़ा ज़रूर होना है। तो आपको क्या करना है, जब भी छींकना है तो आप इस तरह एल्बो में जाके छींकें, तो एल्बो में जाके छींक, इस तरह कोनी में जाके छींकने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका ये हिस्सा जो है ये बड़ा कम इस्तेमाल होता है, तो आपका वायरस से फिर दोबारा जो है मिलना, कंटेमिनेट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आप यूँ हाथों में छींकते हैं, उसके बाद आप क्योंकि आँखों में भी लगाते हैं, और वायरस को सिर्फ नाक या मुंह से जाने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपकी आँखों का ये जो सफ़ेदी है ना, इसको कंजक्टिवा बोलते हैं, इधर से भी वो चला जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और बस यही चीज़ें हैं, इनको जहन में रखें और अपना ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।